Hey guys, what's up? कैसे हो आप लोग? And welcome back to my YouTube channel, Mr. and Mrs. Ram. मैं आप सबका खूब सारा स्वागत है और आप सबको हैप्पी दिवाली मेरे तरफ से. आप लोग को सभी को मेरे तरफ से और बहुत सारा खुशियाँ है. सब लोग खुश रहे, खुशहाल रहे. यही लक्ष्मी गणेश से मेरा दुआ है. अभी हम लोग पापा जी भी पूजा कर रहे हैं. चलिए आप लोग को देखिए, यहाँ पे पूजा कर रहे हैं और यहाँ पे पूरा दीप भी जल गया है. तो गाइज, आप लोग देख सकते हैं कि मैं यहाँ बैठ के एकदम दिया को सजा रही थी. पहले दिया में बाती रख रही थी, उसके बाद इसमें तेल, क्योंकि अभी पता नहीं था कितना सारा दिया रखा है, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा दिया में बाती रख दी थी और बस इसमें तेल ही डालना था और उसको जलाना था. तो आप सबको एक बार फिर से गाइज हैप्पी दिवाली. एंड आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि पापा जी यहाँ पे पूजा कर रहे थे और कॉपी पे शुभ लाभ लिख रहे थे. तो मुझे याद आ रहा था सरस्वती पूजा का, क्योंकि उस दिन भी हम लोग ऐसे लिखते हैं कॉपी पे. तो यहाँ पे पापा जी पूरा पूजा वगैरह कर रहे थे और बहुत ही मंदिर का कितना खूबसूरत सा लुक था. वैसे ही दिवाली में पूरा जगमग जगमग दिया जलता है और मंदिर और भी ज़्यादा सुंदर लगा था. और ये जो था, मम्मी बनाई थी रंगोली, ये पत्ता से बनाई थी रंगोली, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था. एंड आप लोग देख सकते हो कितने अच्छे से हम लोगों ने डेकोरेट किया है मंदिर को, मुझे बहुत अच्छा लगा. आप लोग बताना आप लोग कैसा लगा. और यहाँ आप लोग देख सकते हो, हम लोग जा रहे थे, दिया जब जल रहा था तो उसको अपने घर के चौखट द्वार, चापाकल, जितना भी जगह होता है, तुलसी माता, शमिका, सब जगह दिया जलता है. तो यहाँ पे मम्मी जी रख रही थी और मैं वीडियो शूट कर रही थी. मैं उस टाइम वॉइस नहीं दे पा रही थी क्योंकि सॉन्ग बज रहा था और कॉपीराइट आ जाएगा, इसलिए मैं उस टाइम वॉइस दे के वीडियो नहीं बना पाई. बट आप लोग देख सकते हो कितना प्यारा लगता है ना, हर एक एक जगह दिया जलता है. बाकी सारे लोग भी पूरा एकदम घर को सजा रखे थे, वो आपको थोड़ी देर में दिखाई देगा, लेकिन आप लोग यहाँ देख सकते हैं. तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं, मैं और मम्मी दोनों मिलके दिया जला रहे हैं. मम्मी खाना पीना सब कुछ बना दी है. मैंने तो दी थी दिया जलाने के लिए, फिर भी मेरा रेडी नहीं हुआ है. तो अभी हम लोग मिलके दिया जला रहे हैं. यहाँ थोड़ा लाइट कम है, तो अभी आप लोग को पूरा रखने के बाद दिखाएंगे कि कहाँ कहाँ हम लोग दिया रखते हैं. वैसे द्वार पर रखते हैं ना, हमें सब दरवाजे पर रहता है और जंगला खिड़की. आज हम लोग मांग में पीला सिंदूर नहीं लगाते हैं, काट का आज है. आज काट के हम लोग पूरा दरवाजा टिकेंगे, पूरा में अपना सिंदूर रखेंगे. वही सिंदूर रखेंगे तो हम छठ पूजा का सब कुछ हम करते हैं. तो अभी नीचे चल, बाद में दिखाएंगे आप लोग को, बाबू दिखाएंगे, उनके ब्लॉग में आप लोग देखिएगा. बाकी यहाँ पे आप लोग देख सकते कितना ज्यादा, अभी तो बहुत जगह रखा भी गया किचन में, किचन के द्वार पे, अपने रूम के द्वार पे. तो आप लोग बने रहो, ऐसे ही देखते रहो. यहाँ पे आप लोग गाइस, मैं और मम्मी हम दोनों जा रहे थे नीचे. नीचे की सीढ़ियों पे भी दिया रखा जाता है आज के दिन. तो हम लोग नीचे की तरफ जा रहे थे और फिर यहाँ पे एक दिया रखाएगा जहाँ से हम लोग का नीचे एंट्री होता है. तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं एक दिया रख रही हूँ. दिया भी कितना खुश होकर जल रहा है, मतलब यार दिवाली दीपों का ही त्यौहार है और इसमें दिया इतना खुश. तो गाइज, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इतना सारा दिया जल चुका है और अभी हम लोग जा रहे हैं द्वार पे रखने के लिए. तो अभी ऊपर रखा गया है और अभी हम लोग नीचे जाएंगे रखने के लिए. इतना सारा दिया है, आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा लगता है ना मिट्टी का दिया. बहुत सारे लोग लाइट वगैरह सब कुछ लगाते हैं, बट हम लोग बाहर से नजर आ रहे हैं. तो हाँ. हम लोग के यहाँ लाइट नहीं जला है, मोमबत्ती दिया, ये मिट्टी का दिया हम लोग जला रहे हैं इस बार. तो बहुत अच्छा लग रहा है. अभी ये बहुत सारा पटाखा भी लेके आए हैं जलाने के लिए. हम लोग रात में सब खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग रात को पटाखा भी जलाएंगे, है ना. हाँ. तो आप क्या कहना चाहेंगे? मजा आ जाएगा, आप लोग बने रहिए वीडियो में. दिवाली में आप क्या कहना चाहेंगे सभी व्यूअर्स को? ये कहना चाहेंगे कि पटाखा जो है आप लोग छोड़िए लोग, लेकिन थोड़ा हिसाब से, सावधानी से, और मतलब मजा आना चाहिए उतना. एकदम अनारस खूब छोड़िए,
चक्री में ज्यादा मजा आता है, हम लोग दिखाएंगे लोग वीडियो में, उनको भी चक्री में बहुत अच्छा लगता है। मम्मी से पूछते मम्मी को सबसे अच्छा कौन सा पटाखा लगता है। अनार सबसे ज्यादा अच्छा लगता है छोड़ने में, तो इनके पापा हमेशा हमारे लिए अनार लाते हैं छोड़ने के लिए। हाँ वो बहुत सुंदर लगता है। तो अभी हम लोग मिलते हैं थोड़ी देर में, बाकी आप लोग बने रहो और पूरा वीडियो को देखते रहो। और यहाँ पे मैं एक एक द्वार पे दिया रखते जा रही थी। ये हॉल है जहाँ अभी हम लोगों ने दिया रख दिया था, एंड अब नीचे हम लोग जा रहे थे मैं और मम्मी, तो नीचे सीढ़ी पे भी दिया रखना था। तो मम्मी बोले कि यहाँ पे तुम दिया रख दो, फिर मैं यहाँ पे दिया रख रही थी। और बहुत प्यारा लग रहा था आज का दिन, मतलब एकदम घर जगमग जगमग हो रहा था। और सजा दो घर को फूलों से, वहां पर रखो साइड में, एक लाइन से नीचे रखो, नीचे रखो तीन सीढ़ी। फिर वो होगा समय। देखिए ये चांदी का सिक्का चढ़ा है माता जी को, लक्ष्मी गणेश जी को, और ये कल का काम का खरीदा था धनतेरस का वो है, और ये बिछुआ है। ये क्या है मैम? सीन हो रहा है मेरा, सिंदूर रखे थे तो उधर घसड़िएगा। इनको ना सिंदूर पर देखना, इनको भी बैठा लीजिए। कौन सा सिंदूर? लाल वाला, पीला वाला रख। बाकी बच्चे हम बोलते हैं, हम लड़कों सब ले जाकर रख दो बाबू, पैक कर दो। बोल रहे थे अभी हम अब अपना भूख भाई वाला कहाँ है मम्मी? लतिया जो इसमें लगा था देखो ना, यहाँ पे सिंदूर इतना फूल माला आ गया है ना, कहीं लगा नहीं इसमें होगा। पीला तो है ये, हाँ मिल गया यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे हम और मम्मी दोनों पूजा करने के लिए बैठ गए थे, और सिनहोरा में सिंदूर रखने के लिए मैं पीला कलर का सिंदूर ढूंढ रही थी, पता ही नहीं चल रहा था कहाँ रखा गया है, बट थोड़ी देर में बाद सिंदूर भी मिल गया। और मम्मी पूरा मंदिर को ऐसे छोटा छोटा जो माला होता है फूल का वो लगा रही थी। और यहाँ पे आप लोग देख सकते कमल का फूल कितना अच्छा लग रहा है, और मंदिर भी बहुत सुंदर लग रहा है, मम्मी की करके सजा रही हैं। और मैं वीडियो बनाने के लिए दी थी कि पता नहीं वीडियो आ भी रहा है कि नहीं, मैं बता रही थी। तो हम दोनों साथ में पूजा कर रहे हैं यहाँ पे, हम बैठ चुके हैं लोग, तो मम्मी यहाँ पे कुछ कर रही हैं, तो वही भाभी भी ध्यान से देख रही थी कि आखिर वो सिनहोरा में जो तीनों सिनहोरा में क्या रखा है जाता है, और उसको लगाया जाता है। सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे मम्मी बता रही है भाभी को, ये मेरा सिनहोरा है, ऑयल लगा दिया जाता है सबसे पहले। क्यों? अच्छा आज काट के है सिंदूर तेल, आज इन्हीं लोग को दिया जाता है।
तो यहाँ पीला कलर का सिंदूर मिल गया था और मम्मी सिंदूरा में रख रही थी। यही सिंदूर को छठ पूजा में हम लोग लगाते हैं या तीज वगैरह जो भी होता है उसमें हम लोग लगाते हैं और ऐसे हम अपना सिंदूरा को भर लेते हैं। मैं क्या रखना पड़ता है मम्मी? सिंदूर। तो सिर्फ और सिर्फ ऑरेंज सिंदूर ही इसमें जो है वो रखा जाता है, रेड सिंदूर नहीं रख रहे हैं क्योंकि मांग में पता नहीं है। पीला सिंदूर से ही शादी होता है हम लोग को। और ये किसका है? ये भाभी का है। तो यहाँ पे भाभी का जो है सिंदूरा उसमें भी पहले ऑयल लगेगा। अमावस्या का सब काठ को सिंदूर दिया जाता है, तेल दिया जाता है, जितना तुम काठ को होगा उसमें सब में डाला जाता है, सिंदूर तेल लगाया जाता है। तेल लगा देना से मोबाइल मजबूत रहता है, ये खराब नहीं होता है। ये पूजा का है, उसका आया था तीज में तो यहीं पे रह गया, भसुर तो लेके जाएंगे नहीं इसलिए, उसका हस्बैंड था नहीं तो यहीं पे रह गया है, तो इसका भी हम कर दे रहे हैं। आएगी तो अपने घर ले जाएगी। सिंदूरा का डिजाइन सब सेम ही रहता है यार, कितने साल से। तीन तरह का आती है मम्मी का, मेरा सबसे बड़ा है। इसमें तो भरा हुआ है। तो ये शादी के वक्त ही सिंदूर भर दिया जाता है क्या? सब सब सिंदूर भर जाता है। तेल थोड़ा सा ले लो, सिंदूर पीला आचारी और सब दरवाजे में जितना है, अलमारी पलंग सब कुछ माने टिक देना है, दो दो जगह ऊपर से जाके पहले टिकते नीचे आओ। दिया रखा गया नीचे बाबू? पीछे पीछे सब रखा गया ना? पीछे तो नहीं रखा है, रख के आओ ऊपर रख। पहले आप लोग बांध लीजिए, सब जगह दिया सिंदूर लगा लीजिए, प्रसाद खा के तब जाकर पकौड़े बड़े अच्छा लगेगा। तो गाइस पूजा का जो सिलसिला था वो तो हो चुका है, अब कुछ देर के बाद से पटाखा का सिलसिला भी चालू होगा, तो बने रहिए। पहले देख लीजिए सब जगह जो है वो तेल जो है वो लगाएंगे अभी यहाँ पे, नाम जो है आशीर्वाद दे रही है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं तो पूजा कर ली थी, अब बाबू की बारी थी। बाबू भी आशीर्वाद ले रहे थे माता रानी का, माँ लक्ष्मी का, और मम्मी भी आशीर्वाद ले रही थी यहाँ पे लक्ष्मी माता का। तो आज के दिन लक्ष्मी माता एकदम लक्ष्मी माता का पूजा होता है एंड गणेश भगवान का भी पूजा होता है, और पूरा एकदम अच्छे से दिया जगमग जगमग जलते रहता है। तो यहाँ पे सब कुछ एकदम अच्छे से हुआ था। तो इधर देखिएगा, फट गया इस पे, एक पे नहीं फटेगा, उससे फट जा रहा है।
डर लगता है, लेकिन जल आ रही हूँ मैं फाइनली यार। बूम ये नहीं और बा